आज हम आलू लच्छा चिवड़ा बनाएंगे। आलू लच्छा नमकीन का चिवड़ा घर पर बहुत आसानी से बनता है। इसे हम बाजार से भी अच्छा घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका आलू लच्छा नमकीन चिवड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर। आलू का लच्छेदार चिवड़ा बनाने के लिए मैंने ये इंदौरी आलू लिए हैं, जिसे पहाड़ी आलू भी कहते हैं। ये वेफर के आलू आते हैं, बाजार में इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह पील कर लेंगे। ये आलू में स्टार्च की मात्रा बहुत कम रहती है, इसीलिए इससे जो हम नमकीन चिवड़ा बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये थोड़े हेवी भी होते हैं और टेस्ट में मीठे होते हैं। इसकी जो छाल हम पील करते हैं तो साइड में से ये रेड दिखती है, इसीलिए ये आलू को लाल आलू भी बोला जाता है। आलू को हमें पील करके तुरंत ही पानी में डाल देना है जिससे ये काला न पड़े। अब हमें इसे चप्पू से ही स्लाइस कर लेनी है। इस तरह की हमें थिक स्लाइस कर लेनी है। इस तरह से हमने सारे आलू के स्लाइस बना लिए हैं। इस तरह का हम ग्रेटर लेंगे जिससे हम वेफर बनाते हैं, उसी से हम लच्छे बनाएंगे। इस तरह का हमें लच्छे बनाना है। इस लच्छे को हमें तुरंत ही पानी में डाल देना है। इस तरह से हमें लच्छे बनाते जाना है और उसे पानी में डालते जाना। इस तरह से मैंने सारे लच्छे बना लिए हैं। ये लच्छे बहुत ही अच्छे बने हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह वॉश करना है ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। इस प्रोसेस को हमें जब तक ये पानी अच्छा ना बने हो तब तक हमें इसे वॉश करते रहना है ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए और लच्छे हमारे बहुत ही करारे और क्रिस्पी बने। लच्छे हमारे अच्छी तरह धो चुके हैं। अब लच्छे को हमें इस तरह के किचन टॉवल पर फैला देना है और उसे 15 से 20 मिनट के लिए सुखा लेना है ताकि जो उनमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस लच्छे को हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। 15-20 मिनट हो चुके हैं और जो लच्छा में एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है। इससे ज्यादा हमें अब इसे हमें सुखाना नहीं है। आलू लच्छा नमकीन को पाक करने के लिए मैंने तेल को गरम रख दिया है। इसके लिए हमें ज्यादा गरम तेल नहीं करना है। जब हम डाले तब वो हल्के से धीरे धीरे ऊपर आए। इसी टेम्परेचर पर हमें लच्छे को फ्राई करना है। गैस की फ्लेम पहले लो कर दे, बाद में ही लच्छा डालें।
लच्छा हमें अलग अलग करके डालना है, एक साथ ज्यादा नहीं डालना। गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे। लो फ्लेम पर हम अगर लच्छे को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसे हम इसी तरह फोर्क या कोई चमचे से इसे अलग कर देंगे, कलछी नहीं हर लगाएंगे ताकि वो चिपके ना। अब इसे हमें पलट पलट कर अच्छी तरह सीख लेना है। ये आलू लच्छा नमकीन बहुत ही क्रिस्पी बनता है, घर पर इसे आप जरूर ट्राई करें। ये बाजार से भी अच्छा बनता है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ऑयल में जो ये बबल हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है। आलू लच्छा हमारा अच्छी तरह सीख चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आवाज से ही पता चल जाएगा आपको कि ये कितने क्रिस्पी बने। इसी तरह हम दूसरे आलू लच्छा को भी सीख लेंगे। पहले गैस की फ्लेम लो रखें, बाद में इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कर लें। इस तरह हमारा लच्छा नमकीन डीप फ्राई हो चुका है। इस तरह हमने सारे आलू लच्छा को डीप फ्राई कर लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आलू लच्छा नमकीन में डालने के लिए ये कुछ और चीज भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम चम्मच से इसे हिलाएंगे ताकि अच्छी सभी मूंगफली के दाने अच्छी तरह सिक जाएं। इसे हम आलू लच्छा में भी मिक्स कर देंगे। मैंने ये एक टेबलस्पून किशमिश लिए है, उसे भी फ्राई कर लेंगे। करी पत्ते को फ्राई कर लेंगे। आलू लच्छा नमकीन को हमने अच्छी तरह डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालने के लिए मसाला बनाएंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें एक टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, एक टीस्पून सौंफ और एक टीस्पून तिल लिया है,
हाफ टीस्पून आमचूर लिया है। आमचूर की जगह पर आप सिट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हो। बाजार में मिलने वाले आलू लच्छा नमकीन चिवड़ा में सिट्रिक एसिड होता है। 1 टीस्पून जितना सिंधव नमक लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून जितना चीनी का पाउडर लिया है। सभी चीजों को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। इस तरह हमने मसाला को ग्राइंड कर लिया है। मसाला को हम चिवड़ा में डाल देंगे। हाथों से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा व्रत के लिए आलू लच्छा नमकीन चिवड़ा, जो आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हो। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। ये चिवड़ा घर पर बहुत अच्छा बनता है। एक बार आप बनाओगे तो बाजार से लाना भी भूल जाओगे।